The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। बारिश के दौरान खेमा हलवाई के पौत्र आकाश की कार पुरानी मोहनपुरी और सुभाष नगर के बीच से गुजर रहे 10 फीट नाले में जा गिरी। हादसे के दौरान आकाश ने कार का शीशा खोल रखा था, जिसके चलते घटनास्थल पर मौजूद लोग आकाश को नाले में डूबता हुआ देख नाले में कूद गए और किसी तरह आकाश की जान बचा ली। लेकिन नगर निगम की टीम सूचना के 1.5 घंटे बाद पहुंची, जिसके बाद पार्षद और भाजपा नेता उत्तम सैनी ने निगम अधिकारी को फोन किए। घटना के 1 घंटे बाद निगम कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष अनीस अहमद दो घटनास्थल पर पहुंच गए, लेकिन प्रशासनिक सक्षम अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। निर्माण विभाग के एक जई और कर्मचारी ही मौके पर रहे। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि ये नगर निगम की नाकामी है और नगर आयुक्त को 10 बार लिखित में शिकायत दी गई है, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अमित शर्मा और मदन लाल जई को बार बार बैरिकेडिंग लगाने के लिए कहा गया, लेकिन बैरिकेडिंग नहीं लगवाए गए, जिसके चलते युवक की कार 10 फीट गहरे नाले में जा गिरी। वहीं दूसरा मामला मेरठ के हापुड़ चुंगी पर बन रहे नाले की पुलिया के निर्माण कार्य का है, जहां जनता की सुविधा के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था न होने पर एक व्यक्ति स्कूटर सहित ही नाले में गिर गया। नाले में गिरने के बाद स्कूटर सवार व्यक्ति डूबने लगा, मगर गनीमत रही कि हादसे के वक्त आसपास के लोग मौजूद थे, जिस कारण स्कूटर सवार युवक को नाले से सुरक्षित निकाल लिया गया। लोगों का कहना है कि इस खुले नाले में आए दिन हादसे होते रहते हैं, शायद नगर निगम को किसी बड़ी घटना का इंतजार है, तभी नगर निगम की कुंभकर्ण की नींद टूटेगी। देखिए स्कूटर सवार घायल मनोज से मिली जानकारी। आपका नाम? मनोज। मनोज जी, क्या हुआ आपके साथ? मैं नाले के पटरी से आ रहा था और ये बांस ऐसे लगे हुए हैं टूटे फूटे से, जहाँ ये पुल का निर्माण हो रहा है। हाँ, जहाँ पुल का निर्माण हो रहा है जी, यहाँ से मेरा स्कूटर स्लिप हो गया जी। स्लिप हुआ हाँ। और मैं नाले में गिर गया, मेरे ऊपर स्कूटर गिर गया। ये तो भाई लोगों की वजह से मेरी जान बच गई, नहीं तो मैं तो। अच्छा, ये इन्होंने जो बांस लगा रखे है, कोई मजबूती है इनमें? नहीं, कोई मजबूती नहीं है, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलेंटिस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।